हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 5 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी है या नहीं है। ठीक है, बस इतना सा आपको इसमें सर्च आउट करना है। ठीक, तो जो पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसमें हमें प्रूफ करना है कि साइन एक्स और कॉस एक्स अलग अलग क्या करेंगे, सिपरेटली सॉल्व करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे। साइन एक्स अगर आपका कॉन्टिन्यूस हुआ, कॉस एक्स आपका कॉन्टिन्यूस हुआ, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। फिर से सुन लीजिए कि साइन एक्स अलग से कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे और कॉस एक्स को अलग से कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे। अगर ये दोनों फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो जाते हैं, देन आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ऐसे ही आपका एफ ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ऐसे ही आपका एफ ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू, ये क्या है, मल्टीप्लाई इंटू कॉस एक्स में जो होगा वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ गई अपने, क्लियर। तो बी और सी आपका होमवर्क हो जाएगा। मतलब मैं साइन एक्स और कॉस एक्स की जब कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करा दूंगा, तो आपको वही कॉन्टिन्यूटी साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इन दोनों क्वेश्चन के पार्ट में यूज करनी है और वही चीजें सेम सेम राइट करना है, कॉन्टिन्यूटी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो मैं केवल पहला ऑप्शन प्रूफ करा दूंगा पार्ट ए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर जो आपका ए पार्ट है, इसमें सबसे पहले क्या देख रहे हैं आप, फंक्शन आपका दिया हुआ है, पहले है साइन एक्स। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, इसको हम सपोज करते हैं वन। मान लीजिए कि आपको आ गया प्रूफ करने के लिए, कि जैसे आपको प्रूफ करना हुआ कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करें क्वेश्चन में, और लाइकवाइज साइन एक्स या साइन कॉस टेंजेंट सेकगेंट कोटेंजेंट। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कह देगा कि उनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड आउट करो, क्या वो कॉन्टिन्यूस हैं, ऐसा पूछ सकता है। देखिए, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में पूछा है ऐसे ही क्वेश्चन कि क्या साइन कॉस टेन अलग अलग कॉट सेक कॉस सेक कॉन्टिन्यूस है, तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ से आप इस क्वेश्चन में साइन और कॉस की कॉन्टिन्यूटी को प्रूफ कर लेंगे, तो देन वैसे ही आपको वहां भी करना है। अभी मैं प्रूफ करके क्वेश्चन नंबर वन और टू को ऐड कर दूंगा, तो ये मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा माइनस तो ये मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। मतलब कहना है एक तीर से दो नहीं, तीन निशाने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन, सेम एज आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो एक्स है, वेयर एक्स रिलेट्स टू एनी रियल नंबर, किससे रिलेट कर रहा है बेटा, एनी रियल नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर, और वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर है ए। क्या सपोज किया हमने, वो रियल नंबर ए, ए रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्यों लिया गया, वास्तविक संख्या क्यों नहीं की, क्योंकि रियल नंबर जो होता है पॉजिटिव में होता है, दूसरी चीज निगेटिव में नहीं होता है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए उसके फंक्शन को रियल नंबर ही लेना, इंटीजर्स नहीं लेना। ठीक है, माइनस प्लस का नंबर नहीं लेना, केवल रियल नंबर लेकर प्रूफ कर दीजिएगा। ए यहाँ पे हमने किया है, तो यहाँ पर हम आपसे क्या कहेंगे, दो लिमिट प्रूफ करने की, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सो इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट एक्स की प्लेस पे क्या ए, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए पर कॉन्टिन्यूस होगा, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स होगा राइट हैंड लिमिट के, और ये आल्सो इक्वल होगा नॉन वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ ए के। ठीक है, इसके एफ ऑफ ए के, देखिए एक्स के प्लेस पे ए है, एफ ऑफ ए ही तो होगा। तो पहले क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही लेफ्ट हैंड लिमिट से चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले लिमिट एक्स टेंस टू क्या ए है ना, तो ए निगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डायरेक्ट, अब सोचिए एक्स की वैल्यू ए है, तो यहाँ एक्स के प्लेस पे डायरेक्टली हम ए रखेंगे, क्या रखेंगे, ए रखेंगे। ठीक है, सेम एज। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मैंने एच टेंस टू जीरो साइन ए माइनस एच ऐसा क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैं फिर से बता दे रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट में मैं यहाँ क्या करूँगा, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव के लिए फंक्शन जो मैं लूँगा एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी, भी ध्यान से देखना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो और साइन ए प्लस एच। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने ये राइट किया एच टेंस टू जीरो का रूल, बिकॉज एक्स टेंस टू ए होता है चाहे राइट हैंड लिमिट चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो जरूर होता है राइट साइड में,
और यहाँ भी राइट साइड में होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में इसलिए नहीं राइट किया गया है बिकॉज आप जानते हैं रियल नंबर लिया गया है। तो रियल नंबर के लिए जैसे हम a माइनस एच करेंगे, ये a माइनस एच करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन नहीं हो गया, मीन्स माइनस में वैल्यू नहीं आ जाएगी इसकी। समझ में आ रही बात ना? ये अभी हम a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, साइन a माइनस बी, देख लीजिए मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, भाई यही तो होता है। क्लास 11th में साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन ए माइनस बी, ए माइनस एच हो गया है। यहाँ पर जैसे ही एच टेंस टू जीरो रखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने रखा है, तो बेटा वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, सोचिए, कॉस एच मीन्स क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस जीरो माइनस कॉस ए साइन जीरो, तो सोचिए कॉस जीरो की वैल्यू वन क्या हो जाएगी, वन, और यहाँ पर माइनस कॉस ए साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो क्या आएगा, साइन ए ही तो आएगा, देख लीजिए साइन ए ही तो आएगा यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है। तो चाहे आप ये इतनी लाइन राइट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। ये मैं यहाँ पर आपके लिए लीव कर दे रहा हूँ, चलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पर मैं राइट करूँगा क्या, साइन ए माइनस एच, फिर फंक्शन से डायरेक्टली, और ये साइन ए माइनस एच की वैल्यू, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर एच टेंस टू जीरो होगा उसकी वैल्यू, ठीक है। इतना आप करेंगे, ठीक कर लेंगे ना, इतना बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ साइन ए, इसमें मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इसमें मैं आपके लिए कर देता हूँ, सेम एज ये रहेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन ए प्लस एच के लिए वही ब्रेक करिए, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, इतना करना है, ठीक है। बारी बारी से एक दूसरे में सेपरेटली लिमिट को दे देना है, क्या करना है, दे देना है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस एच, फिर अब की बार लिमिट एक बार इसमें दो, फिर एक बार इसमें दे दो, ठीक, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर ऐसे ही कॉस ए साइन एच, तो आगे आप समझ सकते हैं जो बचना है, कॉस जीरो होगा साइन ए बचेगा, डायरेक्ट मैं राइट करता हूँ, एच की वैल्यू को आपको जीरो राइट करना है, जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो क्या आएगा, साइन ए प्लस यहाँ साइन एच जीरो, क्या बचेगा, तो बेटा यहाँ पर एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये कॉस ए मल्टीप्लाई जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो, इसका मतलब ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए। तो क्या देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम है, इसका मतलब बेटा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अभी एक और चीज़ बची है, एफ ऑफ ए पे वैल्यू, ठीक है, तो एफ ऑफ ए पे वैल्यू यहाँ छोटे से गैप में सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इसी में रखना है यहाँ ए, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू साइन ए, सीधा आ गया, लिख देंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एग्जामिनर को समझाने के लिए। यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन से आपकी वैल्यू प्रूफ हो गई है ए के प्लेस पे, जैसे ही एक्स की जगह ए आया उसका डोमेन चेंज हो गया, द डोमेन इज कंडक्टेड टू द रियल नंबर आल्सो, यहाँ पर लिखा गया है ए, ठीक है, इतना समझ में आ गया, प्लीज राइट इट इमीडिएटली, तो ये फंक्शन प्रूफ हो गया, ठीक है बेटा। चलिए फिर देखते हैं अब क्या करेंगे, अब हमें कॉस एक्स को प्रूफ करना है, ये तो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो चुका, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है बेटा आपका कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स के लिए भी सेम ऐसे ही रूल है, ठीक। चलिए एक बार कॉस एक्स, उसको अलग से कहीं राइट करके फिर इसको अलग से, भाई दो फंक्शन साइन एक्स और कॉस एक्स अगर वो कॉन्टिन्यूस हो जाते हैं, अगर साइन और कॉस अलग अलग कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो जाएंगे, तो क्या साइन ए प्लस कॉस ए नहीं होगा कॉन्टिन्यूस, होगा, अगर दो फंक्शन दिए हैं और दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूस हैं, अलग अलग वो कॉन्टिन्यूटी दिखा रहे हैं, तो दोनों को ऐड करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखे रहिएगा। तो करते हैं कॉस एक्स के लिए सीधा, लेट अगेन अगेन क्या हम लेट करेंगे, एफ एक्स को कॉस एक्स, सेम वही रूल सेम वही फंडा, ठीक है। सो इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट, क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू ए फॉर ए रियल नंबर, इतना आप राइट कर लेंगे, फॉर ए रियल नंबर, रियल नंबर यहाँ इंडिकेट करना चाहे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आप राइट कर सकते हैं बेटा, वेयर एक्स कंडक्ट कर रहा है, एक्स रिलेटेड टू ए रियल नंबर, किससे, ए रियल नंबर, और वो रियल नंबर क्या होगा, ए होगा, स्मॉल ए, कैपिटल ए नहीं, क्या होगा, स्मॉल ए होगा, ठीक है। कितनी चीज़ आपको ध्यान देना है, क्या करेंगे यहाँ से, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले उठाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को प्रूफ करेंगे, लिमिट एक्स टाइम्स टू ए निगेटिव, फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए सीधा क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट एच टेंस टू जीरो और कॉस, यही एक्स के प्लेस पे ही तो रखेंगे, क्या माइनस में है, ए माइनस एच,
तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला देन वही वैल्यू सेम टू सेम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी फिर प्लस साइन ए साइन बी। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है उसमें प्लस आता है और जो कॉस ए प्लस बी का उसमें माइनस, मीन्स अपोजिट रहता है ये, ठीक कॉस वाला। अब सीधा वैल्यू आप रखेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू वन, मीन्स कॉस ए बचा, केवल ये बचेगा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ये जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो की वैल्यू ये वन हो जाएगा, ठीक है। मतलब जीरो रखने पे वन आएगा, ठीक, और यहाँ जीरो रखने पे जीरो, तो ये गया पूरा, केवल कॉस ए बचा है। क्या बचा? कॉस ए बचा, ठीक है। एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है, राइट हैंड लिमिट केवल चेक करना है बस, इसके बाद खत्म। क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए लिमिट एच टेंस टू जीरो। नेक्स्ट क्या है इसमें आपका, वही है कॉस एक्स ही है, फंक्शन यही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही रखा जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ ए प्लस एच, आगे आप बढ़ेंगे कितना आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, सेम जो यहाँ प्लस है यहाँ पर वही माइनस हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट एच की वैल्यू जीरो, जीरो रखेंगे वन आएगा, जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ये भी जीरो, दोनों खत्म। तो बचा केवल इसमें भी कॉस ए, सो वी कैन प्रूव दैट दिस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टीन्यूअस। एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए बस, एफ ऑफ ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डायरेक्टली कॉस ए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत ईजी है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई, एल एच एल आर एच एल की वैल्यू आ गई है, सो द लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू द राइट हैंड लिमिट एंड इज ऑल्सो इक्वल टू द नॉन वेरिएबल फंक्शन फॉर द एनी नियर रियल नंबर एफ ऑफ ए, ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। तो बताइए साइन एक्स और कॉस एक्स अलग अलग कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गए हैं तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा बेटा, बिकॉज कि अलग अलग दो फंक्शन जो कि आपस में एडिड हैं, जुड़े गए हैं और सब्ट्रैक्टेड भी हैं, घटाए गए हैं बी वाला पार्ट और मल्टीप्लाइड है सी वाला पार्ट, तीनों आपका क्या करना है, कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गया है। बी और सी आपका होमवर्क, उसे सॉल्व करना है। ए के दोनों पार्ट मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स को अलग अलग सेपरेटली मैंने सॉल्व करा दिया है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होंगे। अब ये जो साइन एक्स है और कॉस एक्स है इन दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों के लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो कैसे करेंगे, साइन एक्स की जो वैल्यू आई है कॉन्टिन्यूस फॉर एनी रियल नंबर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से, वहां पर कॉन्टिन्यूस। साइन एक्स रिलेट कर रहा है कॉन्टिन्यूस फंक्शन से, कॉस एक्स के लिए ये वाला है रिलेट कर रहा है कॉन्टिन्यूस फंक्शन से, और एफ ऑफ ए की वैल्यू साइन ए प्लस कॉस ए, ये तो होगी एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ कॉस ए है और साइन ए वाले में साइन ए थी, साइन ए प्लस कॉस ए, इसका मतलब ये भी एफ ऑफ ए पे कॉन्टिन्यूस होगा। समझ में एक बार, इतना आपको दो लाइन आपको राइट करना होगा, इन दोनों फंक्शन को ऐड कर देना है और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, बी और सी वाला पार्ट भी फिनिश हो जाएगा। प्लीज मेक इट नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बेटा बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, वही सेम फैक्टर सेम चीज़ें सब कुछ वही है, कुछ चेंजिंग हुई नहीं, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन है आपका पहला, ये आपका क्वेश्चन नंबर, इसके पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपने कॉस एक्स को, जो फंक्शन आपका कॉस एक्स का दिया हुआ था उसको आपने कॉन्टिन्यूस प्रूव किया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेकर के। मैंने कहा था उस क्वेश्चन को बताते हुए कि ऐसे ही अलग अलग आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आपको अलग अलग सॉल्व करना होगा। कॉटेंजेंट जो होता है बेटा वो कॉट को बोला जाता है, कॉटेंजेंट, ठीक है, कॉटेंजेंट कॉट को बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपकी टेंजेंट होती है ना, तो टेंजेंट को टैन बोला जाता है, स्पर्श जो बोली जाती है, ठीक है। और ये कोसाइन है, कोसाइन का मतलब ये देखिए यहाँ पे कॉस क्या होता है, ये कॉस होता है, यही आपको इसका जो प्रीफिक्स है सफिक्स है उसी का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सेकेंट है देखिए सेक ना, ऐसे कॉटेंजेंट है देखिए कॉट, तो ऐसे ही कॉसेक एंट है तो कॉसेक, ठीक है। तो एक आपका हो गया कॉसेक, एक आपका हो गया सेक और एक आपका हो गया कॉट, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो यहाँ पे साइन नहीं है टैन नहीं है, केवल कॉस है सेक है कॉट है। तो हम प्रूफ कर चुके हैं कॉस को, कॉस एक्स अगर हम ले लें, सपोज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, देन फॉर एनी रियल नंबर एक्स इक्वल्स टू ए एट ए पॉइंट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। यू कैन प्रूव इट इन द प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आप पहले ये क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं 21 में कि कॉस एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, उसी को दोबारा छाप दीजिएगा, ठीक है, उसको दोबारा छाप दीजिएगा। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो चुका है क्वेश्चन नंबर किसमें 21 में। बात करते हैं इसकी, इसमें हम बात करेंगे कॉसेक के लिए, तो कॉसेक के लिए हमें साइन का यूज करना होगा, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर आपको पता होगा साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक एक्स, ठीक। तो यहाँ भी क्या करेंगे कॉसेकेंट के लिए, ठीक है,
लेट cos x, या फिर सबसे पहले कोई फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू cos x, वेयर x रिलेट करेगा एनी रियल नंबर, किससे, एनी रियल नंबर, ठीक है, एनी रियल नंबर दैट इज a। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू चेक करेंगे, सेम वही है, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें बस। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू रियल नंबर a के लिए है, a निगेटिव हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, और फंक्शन आपका f ऑफ x आगे चलेगा h टेंस टू जीरो, वहीं पर हम रखेंगे a माइनस h को, ठीक, तो लिमिट h टेंस टू जीरो और यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec a माइनस h। तो cosec a माइनस b का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, साइन का ही होता है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो ये वैल्यू क्या करेंगे हम राइट करेंगे तो इस तरीके से 1 अपॉन साइन ए माइनस एच, और इसको आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्वेश्चन नंबर 21, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 21 में इसके पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो आपकी वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे, यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या आई थी, साइन ए आई थी, क्या आई थी, साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए जब बचेगा तो 1 अपॉन साइन ए क्या होगा, कॉसेक ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, ठीक, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कॉसेक ए, अगर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कॉसेक आ गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है, चलिए राइट हैंड लिमिट पे चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव फंक्शन f ऑफ x के लिए वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच, की भी राइट हैंड लिमिट है, सेम एच कॉस एक का अपोजिट वही साइन होगा क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला होता है नहीं, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए प्लस एच जवाब का ऊपर था, इसी क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन में तो आया था साइन ए आया था, अगर नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 21 में जाके पीछे देखिए, इसकी वैल्यू आपने प्रूव की थी जब एच टेंस टू जीरो था तो साइन ए आया था, तो यहाँ पर भी वही आएगा साइन ए ही आएगा, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होगा, ठीक, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया है, बस अब जरूरत है कि f ऑफ a मीन्स नॉन वेरिएबल फंक्शन की a पर जब यहाँ की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x की प्लेस पे a आएगा तो यहाँ पर भी हमें cosec a ही मिलेगा, सो वी कैन से दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड ऑल्सो द नॉन वेरिएबल फंक्शन f ऑफ a इज इक्वल टू देम सेल्फ, ये क्या है, आपस में इक्वल हैं, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू cosec x, वेयर x रिलेट कर रहा है एनी रियल नंबर, ठीक है, प्रूफ हो गया फंक्शन कॉन्टिन्यूस, ऐसे ही आप सेकंड को और कॉटेंजेंट को करेंगे, ठीक है, कॉटेंजेंट के लिए मैं बता दे रहा हूँ अभी टेन के साथ, ठीक है, जब मैं टेन वाला बता दूंगा तो आप कॉट वाला कर लेंगे, कॉस वाला जैसे आपको पता है कि साइन वाला बताया गया था तो आप कॉस वाला कर लिए थे, और कॉस वाला इसीलिए मैंने रफ किया, तो कॉस किससे जुड़ा है, इसका अपोजिट क्या होता है, देखिए ये सेक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सेक का अपोजिट होता है ऐसे, ये होता है 1/cos, तो इस सेक का अपोजिट क्या होता है 1/cos, तो सेम जो यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर ना कुछ नहीं है, केवल यहाँ से चेंज हुआ है, ये क्या, सॉरी बेटा ये यहाँ पर कॉसेक होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, ए माइनस एच कॉसेक होगा, नॉट कॉस, कॉसेक होगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, तो सेक की अपोजिट फॉर्म होती है 1/cos, कॉस वाला प्रूफ कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 में प्रूफ किया है आपने, तो सेम वही यहाँ पर होगा, सेक को लेके चलना है, और यहाँ जैसे आपने चेंज किया इस वाली लाइन में कॉसेक को साइन में, वैसे यहाँ पर आपका सेक होगा, क्या होगा, सेक ए माइनस एच, और यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस एच, क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस एच, बस बहुत इजी है यार, इतना इजी है कि आप कर सकते हैं बेटा, ठीक है, इसलिए मैं सेक को छोड़ दे रहा हूँ, कर सकते हैं ना, मैंने फॉर्मेट बता दिया इसका अपोजिट फॉर्म क्या होगा, कॉसेक का एक मैंने इसीलिए बताया है ताकि मैं इस वाले एग्जाम्पल को आपसे सॉल्व करवा सकूँ, ठीक है, अब कॉटेंजेंट बचा है, कॉटेंजेंट के लिए मैं टेंजेंट को प्रूफ कर दे रहा हूँ, जैसे ही टेंजेंट प्रूफ होगा कॉन्टिन्यूस कॉटेंजेंट कर लेंगे, ठीक है, चलिए टेंजेंट कर देते हैं, प्लीज मेक इट नोट इमीडिएटली एंड टेक द टेंजेंट फॉर टू बी कॉन्टिन्यूस, ये जो बेटा टेन एक्स वाला है इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे आप कि दो फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस दिए हैं, तो अगर दो फंक्शन जैसे ए और बी आपको कॉन्टिन्यूस दिए हैं, ठीक, तो सोचिए ए भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन कह रहा है, बी भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन कह रहा है, तो क्या ए प्लस बी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, बोलिए होगा,
अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 21 में बताया था साइन एक्स और ये कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, होगा कॉन्टिन्यूस, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत शॉर्ट मेथड बताएंगे, लॉन्ग मेथड इसकी नहीं जाने वाली है। 3 to 4 लाइन में टेन एक्स का फंक्शन प्रूफ हो जाएगा, कन्फर्म है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, ऐसे ही बस इसको बेसिक फॉर्म में आपको समझ लेना है, देन हम इसको रफ कर देंगे। ठीक, एग्जाम्पल दैट ए माइनस बी होगा, होगा ठीक, ए इंटू बी होगा, होगा ये भी होगा। ठीक, तो क्या ए डिवाइडेड बाई बी ये होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा ए अपॉन बी होगा, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, नो डाउट ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। बेटा इतने का डाउट पहले से क्लियर था, ये डाउट आपके माइंड में क्लियर नहीं रहा होगा, इसको मैंने क्लियर कर दिया कि ए अपॉन बी भी कॉन्टिन्यूस होगा इफ ए एंड बी आर बोथ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी कोई जरूरत, बहुत जरूरत थी, इसी से तुम्हें समझना था कि ए अपॉन बी अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो हम यहां आपसे कहें कि फंक्शन जो आपका है टेन एक्स, उसका जो रेशियो होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस, बिकॉज द रेशियो ऑफ साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू टेन। समझ रहे बात, जानते भी होंगे, 11th में 10th में ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा साइन अपॉन कॉस टेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि अगर टेन साइन अपॉन कॉस की ये इक्वल है, ए अपॉन बी कॉन्टिन्यूस होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है तो एक बार, दो मेथड है, पहली मेथड थोड़ा तेजी से, ठीक है, पहली मेथड लॉन्ग है, ये लॉन्ग मेथड ठीक, लेकिन मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, लॉन्ग है लेकिन बेस्ट है। चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं इसकी वैल्यू, यहाँ पर क्या कहेंगे, वायर x से रिलेट करेगा फॉर एनी रियल नंबर, किससे, एनी रियल नंबर, और वो नंबर होगा a। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव f ऑफ x के लिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या करेंगे, साइन a माइनस एच डायरेक्ट मैंने रखा, ठीक, h टेंड्स टू जीरो कर लीजिए पहले, और अपॉन में कॉस a माइनस एच। ठीक है, इनको अलग से आप सॉल्व करेंगे, तो साइन और अपॉन में कॉस दोनों को आप पैरेलली सॉल्व कर लेंगे, या साइन अपॉन कॉस टेन भी करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी आएगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, इसमें ज़्यादा हमें खींचना नहीं है, आएगा कॉन्टिन्यूस। सेम ऐसे राइट हैंड लिमिट, इसमें भी जब आप प्रूफ करेंगे ए पॉजिटिव के लिए फंक्शन, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन ए प्लस एच अपॉन कॉस ए प्लस एच, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, कॉन्टी निवर्स होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, साइन ए माइनस एच को क्वेश्चन नंबर 21 में सॉल्व किया था, कॉस ए माइनस एच को उसी में सॉल्व किया था, सेकंड पार्ट था उसका, सेम साइन ए प्लस एच को पहले और कॉस ए प्लस एच को पहले ही सॉल्व कर लिया गया था। ठीक है, इन दोनों की लेफ्ट हैंड लिमिट सेम हो गई है, राइट हैंड लिमिट सेम हो गई है, तो इसका साइन है, इसका कॉस है, साइन है अपॉन कॉस है, टोटल मिलाकर आपका क्या रिजल्ट आएगा, टेन है, इसका भी क्या आएगा रिजल्ट, टेन है। बात समझ में आ गई, तो एल एच एल और आर एच एल अगर इक्वल हैं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स के प्लेस पे केवल क्या करना है, ए रखना है, फॉर एनी रियल नंबर एक्स टेंस टू ए या एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक, किससे लिया गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, इतना सो हो गया, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, यस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, एब्सोल्युटली राइट, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन अब बेटा इसको हमें दूसरी मेथड से चलना है, ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग हो गई, थोड़ा सा लॉन्ग हुई है, 3 to 4 लाइन में तो ये भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो अगली है वो हम देखते हैं, वो थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगी, जो बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं उनके लिए तो अच्छा है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बच्चे पढ़ चुके हैं फर्स्ट पेपर में, इसके पहले की जो यूनिट है उनके लिए वो मेथड सॉल्व हो जाएगी। बस थोड़ा सा आपको यहाँ एक चीज़ बताने की ज़रूरत है, फॉर टेन एक्स द रेंज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन एक्स के लिए
जो रेंज होगा वो क्या होगा, 10x का रेंज किसको किसको पता है, किसको किसको पता है, किसको किसको 10x का जो रेंज होता है पता है? मेरे हिसाब से किसी को नहीं पता होगा। बुक लेके बैठिए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 10x की जो रेंज होगी उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर दिया होगा बेटा। आर जो इंडिकेट करेगा वो माइनस, और जो वैल्यू होगी क्या होगी, 2n+1 पाई बाई 2, वेयर एन रिलेट कर रहा होगा किसी जेड मीन्स कोई इंटीजर से, किसी नंबर से, और वो नंबर कौन सा होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, कोई काल्पनिक संख्या होगी जहां पर ये वैल्यू रिलेट करेगी एन की। क्या ये जो एन है कौन सा नंबर होगा, रिलेट कर रहा है जेड से, वेयर एन रिलेट्स टू जेड। जेड के लिए इसका मतलब ये हो जाएगा कि हो सकता है वहां प्लस भी है या फिर हो सकता है माइनस भी है, हो सकता है ना, लेकिन प्लस आए या माइनस आए, जीरो ना आए, जीरो ना आए, ठीक है, नहीं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर किसके लिए, द रेंज ऑफ 10x, किसकी रेंज है ये, 10x की रेंज है, बिकॉज द रेंज ऑफ 10x इक्वल्स टू इतना, इतने में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू हमारी ये मिलती है, और यहाँ पर जो n रिलेट करेगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो 2+1 3 और 3π/2 हो जाएगा। अब 3π/2 की वैल्यू आप निकालेंगे कितना आएगा, अगर आपसे कहा जाए cos 3π/2 की वैल्यू तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, cos पाई प्लस पाई बाई टू मीन्स cos 90+θ दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, और साइन π/2 की वैल्यू क्या आ गई, यही तो होगा। अब ऐसे ही आपसे कहें साइन 3π/2 की वैल्यू, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेम है साइन पाई प्लस पाई बाई टू, साइन 90+θ क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगा अभी। ठीक है, क्या अभी जीरो, तो क्या ये जीरो हो रहा है, देखिए क्या कह रहा है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये जीरो होगा तो साइन और कॉस दोनों में से एक जीरो हो जाएगा, दोनों में से एक जीरो हो गया, दोनों में से एक माइनस वन आ गया, एक जीरो आ गया, तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा फॉर द वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स टू जीरो, अगर एन की वैल्यू जीरो हो गई तो। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बता देना है कि एन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, किसी भी कंडीशन पे एन की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फंक्शन, देख लीजिए मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया, साइन की वैल्यू 3π/2 पे जीरो आई, कॉस की वैल्यू 3π/2 पे माइनस वन आई, फंक्शन कॉन्टिन्यूस वहां से नहीं प्रूव हो रहा, ये आपका माइंड में डाउट रहा होगा, इस डाउट को मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, पर कितना आपको करना है, यहाँ पर लिख लेंगे बिकॉज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10x, और 10x जो कि आल्सो इक्वल होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, भाई एक पे तो इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, साइन पे भी पड़ेगा कॉस पे भी पड़ेगा, जब साइन और कॉस दोनों कॉन्टिन्यूस होंगे तभी तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। 10 भी मैंने बताया था जो ये है वो a अपॉन b मीन साइन अपॉन कॉस इक्वल है, जब दोनों कॉन्टिन्यूस होंगे तभी ये कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब तो बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर n डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, देन केवल n रिलेट्स करेगा z से, बस इतनी कंडीशन आपको दिखा देना है एग्जाम में। और हियर ऑल्सो एक और कंडीशन है जो x की वैल्यू होगी, अब जब n रिलेट कर रहा है z से और ये पूरा फंक्शन 10x जो कि रिलेट कर रहा है इट्स टोटल फंक्शन से, इसकी रेंज से, तो इसका जो डोमेन होगा x, जो इसका डोमेन होगा x वो किससे रिलेट करेगा भाई, इस पूरे फंक्शन से रिलेट करेगा, क्योंकि देखिए रेंज ही तो है 10x की, ये 10x की क्या है, ये रेंज है पूरी, तो x जो है वो इस पूरी रेंज से रिलेट करेगा मीन्स r माइनस 2n+1 पाई बाई 2 वेयर n रिलेट्स कर रहा है किसी z नंबर से, दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लीज मेक इट नोट इमीडिएटली। बेटा मैं एक चीज तो भूल गया कि आपको ये लाइन कैसे राइट करनी होगी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसके बाद आपको एक लाइन यहां पर राइट करनी होगी, सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, आपको ये लाइन राइट करनी होगी, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस At all its range, ठीक है, ये अपने रेंज मतलब साइन और कॉस की भी रेंज पे और टैन के रेंज पे दोनों पे ये वैल्यू क्या है, कॉन्टिन्यूस है एफ ऑफ एक्स के साथ साथ। ठीक है, ये लाइन राइट कर लीजिएगा, देन आप राइट कर सकते हैं सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर एफ एक्स। ठीक है, चलिए चलिए बेटा जल्दी से आप राइट कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के 25 या 8 तक। ठीक, चलिए आपके लिए टाटा बाय बाय एंड गुड बाय, टेक केयर।